हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 10 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। यह करंट अफेयर्स आपकी यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंक, जीआरई, नेट, रेलवे सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स जीके के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीकिंग टू प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाज पास्ड बाय लोकसभा। द बिल प्रोवाइड्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप टू सच इमिग्रेंट्स आफ्टर 6 years ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया इंस्टेड ऑफ 12 years करंटली। नागरिकता संशोधन विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों को सताए जाने के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने की मांग कर रहा है। विधेयक में वर्तमान में 12 वर्षों के बजाय भारत में 6 वर्ष के निवास के बाद ऐसे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज कंस्टिट्यूटेड ए हाई लेवल कमेटी ऑन डीपिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट टू एनकरेज डिजिटेशन ऑफ पेमेंट्स एंड एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन। द 5 मेंबर कमेटी विल बी हेडेड बाय यूआईडीआईज फॉर्मर चेयरमैन नंदन नीलेकणी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान को बेहतर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यूआईडीआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति में हैं। नेक्स्ट, द इंटरिम बजट फॉर 2019 विल बी प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट टू बी हेल्ड फ्रॉम 31 जनवरी टू 30 फरवरी। 2019 का अंतरिम बजट 1 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट साइंड हस्ताक्षरित समझौते टू एंश्योर एजियर अवेलेबिलिटी ऑफ फास्टैग्स। इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL, ए कंपनी प्रमोटेड बाय NHAI, हैज साइंड MOUs विद स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOCL, BPC एंड HPC। NHAI द्वारा प्रवर्तित कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड IHMCL ने फास्टैग की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों IOCL, BPC और HPC के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे इरना सोलबर्ग एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड बायलेटरल टॉक्स इन न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट बोथ द कंट्रीज हैव वाइब्रेंट ट्रेड टाइज। MOU वर एक्सचेंज्ड ऑन इंडिया नॉर्वे ओशियन डायलॉग्स। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एरना सोलबर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच जीवंत व्यापार संबंध है। भारत नॉर्वे ने महासागर वार्ता पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। नेक्स्ट, एन MOU वॉज साइंड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड पंजाब नेशनल बैंक ऑन द डिफेंस सैलरी पैकेज। द साइनिंग सेरेमनी वाज चेयर्ड बाय द एडजेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार। साइलेंट फीचर ऑफ द इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड MOU आर फ्री रक्षक प्लस स्कीम फॉर सर्विंग
पर्स एंड वेटर्स और ड्राफ्ट फैसिलिटी रेंज फ्रॉम 0.75 रुपीज टू 3.0 लाख रुपीज। रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार ने की। बेहतर अपडेट किए गए एमओयू की मुख्य विशेषता निःशुल्क रक्षक प्लस योजना है, जो कि स्थानीय और बुजुर्गों की सेवा के लिए है। इसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा 0.75 से यानी कि 75,000 से 3,00,000 रुपये तक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक न्यूज, अर्थव्यवस्था समाचार। इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% इन द फिस्कल ईयर 2018-19 एंड 7.5% इन द फॉलोइंग टू ईयर्स। द वर्ल्ड बैंक हैज फोरकास्ट एट्रीब्यूटिंग इट टू एन अपविंग इन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया विल कंस्टिट्यूट टू बी द फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने पूर्वानुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी 7.3% और अगले दो वर्षों में 7.5% बढ़ने की उम्मीद है। इसके कारण खपत और निवेश में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन, नियुक्ति इस्तीफे। ए विजनरी इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी एंड द चेयरमैन ऑफ नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन प्रणव आर मेहता हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल सोलर काउंसिल GSC। ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हेड द GSC। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूरदर्शी और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष प्रणव आर मेहता ने ग्लोबल सोलर काउंसिल GST के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। वह GSC के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार। 7-time चैंपियंस इजिप्ट हैव वोन द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2019 एडिशन ऑफ द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस। इजिप्ट बीट साउथ अफ्रीका बाई 16-1 एट द कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल CAF एग्जीक्यूटिव कमेटी। 7 के चैंपियन मिस्र ने अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस के 2019 संस्करण के लिए मेजबानी का अधिकार जीत लिया है। मिस्र ने अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ CAF की कार्यकारी समिति में दक्षिण अफ्रीका को 16 मतों से हराया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन सिटीज सिडनी एंड ब्रिस्बेन हैव बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट टू होस्ट लोकेशन फॉर द न्यूएस्ट टीम इवेंट इन मैंस टेनिस फॉर द मल्टी मिलियन डॉलर ATP कप फ्रॉम 2020। ऑस्ट्रेलिया शहरों सिडनी और ब्रिस्बेन को 2020 से बहुमिलियन डॉलर ATP कप के लिए टेनिस में नवीनतम पुरुषों की टीम के आयोजन के लिए पहले दो मेजबान स्थानों के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैज ऑफिशियली बिगन इन पुणे महाराष्ट्र। स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एंड चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अटेंडेड ए वर्चुअल टॉर्च सेरेमनी एट द श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हो गया है। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक आभासी मशाल समारोह में भाग लिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके करंट अफेयर्स हैं। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट करें। यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।